Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions of stack. So let us start with the first question. Process of inserting an element in stack is called, stack में जब आप कोई element insert करते हो तो उस process को क्या कहा जाता है, उस process को हम बोलते हैं push. ओके, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड, जब आप स्टैक में से किसी एलिमेंट को रिमूव करते हो राइट, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉप राइट. इन अ स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, अगर यूजर किसी एम्प्टी स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करता है राइट, एम्प्टी स्टैक मतलब वो स्टैक बिल्कुल खाली है. ओके, अगर यूजर एम्प्टी स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलोगे अंडर फ्लो राइट, अंडर फ्लो. नाउ pushing an element into stack already having 5 elements and stack size of 5, then stack becomes, stack क्या है आपका 5 elements contain कर सकता है, उसका size 5 elements का है right, और उसमें already 5 elements है. अगर आप उसमें और elements push करना चाहते हो तो इस condition में stack क्या बन जाएगा, overflow right. entries in a stack are ordered, what is the meaning of this statement, stack के अंदर जो entries होती है वो एक ordered way में होती है, इस statement का क्या meaning है, तो इसका meaning है there is a sequential entry that is one by one, stack के अंदर जब आप data push करते हो तो उसे one by one आप उसके अंदर push करते हो right, तो this type of entry is sequential entry राइट. द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड्स, जब आपके ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बाद प्लेस होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन राइट. जैसे आपका यहाँ पे ऑपरेटर मान लो यहाँ पे ए बी, सॉरी ऑपरेंड्स हमने ले लिया ए बी ओके, उसके बाद मैंने ऑपरेटर्स लगा दिए, प्लस लगा दिया आपका एंड माइनस, तो ये आपका क्या है, ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है जहाँ पे ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर्स यूज होते हैं राइट. ओके, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज, एक्सप्रेशन में चेक करने के लिए कि पैरेंथेसिस जो लगे हुए हैं वो बैलेंस्ड हैं, वो इक्वल पैरेंथेसिस लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये चेक करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टैक का राइट. स्टैक का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, ओपन पैरेंथेसिस इज पुश्ड इनटू द स्टैक, जब आप इसको सॉल्व करते हो किसी भी एक्सप्रेशन को तो जो ओपन वाला पैरेंथेसिस होता है वो स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाता है. ओके, एंड अ क्लोज्ड पैरेंथेसिस पॉप्स आउट एलिमेंट टिल स्टैक गेट्स एम्प्टी, और जो क्लोज्ड पैरेंथेसिस होता है वो तब तक सारे एलिमेंट्स पॉप करता रहता है जब तक कि वो कहाँ तक नहीं पहुँच जाता, वो स्टैक के एंड तक नहीं पहुँच जाता, मीन्स जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता फाइन. तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए क्या वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस हैं या नहीं है राइट. द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ, अब आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको इसकी पोस्टफिक्स फॉर्म बतानी है राइट. तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये मेरा हो गया स्टैक मान लो, ये मैंने एस बना दिया, ये स्टैक हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया राइट, दिस इज़ योर आउटपुट फाइन. अब देखो सबसे पहले आपका क्या है, आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड डायरेक्टली आपका आउटपुट में चला जाएगा फाइन. उसके बाद क्या है, आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे ओके. और यहाँ पे आपका ए है इस टाइम पर ओके. अब आपका बी आ गया तो स्टैक में आपका ये ऑपरेटर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एंड बी ऑपरेंड ओके. आपके ऑपरेंड आ गए राइट. अब आपका आता है प्लस राइट. अब जैसे ही प्लस आएगा, प्लस क्या है, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से उसकी प्रेसिडेंस लोअर है फाइन. तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आपका मल्टीप्लिकेशन पॉप हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉप होके यहाँ पे आ जाएगा ए बी ऑपरेंड के बाद राइट, ए बी एंड दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके राइट. अब आपका आ गया सी, सी तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए बी राइट मल्टीप्लिकेशन एंड देन आपका सी आ जाएगा राइट. यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा ओके. अब सी के बाद क्या है, आपका आएगा डिवीज़न ऑपरेटर. तो डिवीज़न ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, हाइयर है प्लस से, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा और डिवीज़न आ जाएगा
फाइन। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर पॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन एंटर कर रहा है उसकी प्रेसिडेंस प्लस से हाई है, राइट। और जब आपका यहाँ पर प्लस एंटर कर रहा था तो क्या था, उसकी प्रेसिडेंस आपकी मल्टीप्लीकेशन से लोअर थी, इसलिए मल्टीप्लीकेशन पॉप हो गया था, राइट। अब हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया ए बी, राइट, मल्टीप्लीकेशन सी, ओके, आपका मल्टी आपका यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यहाँ चला गया एंड डी, राइट, डी आ गया, डी आपका डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा, आपका स्टैक एम्प्टी करेंगे हम लोग, ओके, तो आपका ए बी मल्टीप्लीकेशन, राइट, सी डी, ओके, डिवीजन पॉप होगा, डिवीजन आ गया, देन आपका प्लस पॉप होगा, आपका प्लस आ गया, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फाइन। अब नाउ विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो ये आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन है, जहाँ पे ऑपरेटर्स कहाँ आते हैं, ऑपरेंड्स के बाद आते हैं, राइट। इन फिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड्स कहाँ आते हैं, इन बिटवीन आते हैं, ऑपरेटर्स कहाँ आते हैं, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए प्लस बी लिखा, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ऑपरेंड्स है, एन प्लस क्या है, ऑपरेटर, और ये क्या कौन सा नोटेशन है, इन फिक्स नोटेशन है, राइट। तो यहाँ तो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए या प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। नाउ द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिस इज, आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है और फिर इसका आंसर आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका स्टैक है, राइट, और दिस इज योर आउटपुट, ये आपका स्टैक और ये आपका आउटपुट है, ओके। तो क्या करेंगे हम स्टैक में एलिमेंट्स को पुट करेंगे, पुश करेंगे। तो सबसे पहले आपने पुश किया 5 को, फिर आपने पुश किया इसके अंदर 4 को, एंड फिर आपने पुश किया 6 को, राइट। अब आपका आता है प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर आता है तो स्टैक के जो टॉप टू एलिमेंट्स हैं, टॉप टू एलिमेंट्स अभी हमारे पास 4 एंड 6 है, तो 4 एंड 6 पर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 6 और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ओके। अब स्टैक में एलिमेंट्स, अब जो 10 आया है वो आप कहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, स्टैक के टॉप पर। तो अब आपके पास स्टैक के एलिमेंट्स है 5 एंड 10 है स्टैक के एलिमेंट्स, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। अगेन हम क्या करेंगे, स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, पॉप करेंगे और उन पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 5 इंटू 10, राइट, आंसर आ गया आपके पास 50, ओके। अब आप 50 को क्या करोगे, स्टैक के अंदर पुश करोगे। तो अब स्टैक में क्या है आपका 50, एक ही एलिमेंट है 50, राइट। अब स्टैक के अंदर आप, अब यहाँ पे हम जब देखेंगे एक्सप्रेशन में 493 है, तो आप इसको पहले 50 पुश किया, फिर आप 4 को पुश करोगे, फिर आप 9 को पुश करोगे, फिर आप 3 को पुश करोगे, राइट, ऐसे आपको पुश करना है। अब हमारे पास डिवीज़न ऑपरेटर आ गया, डिवीज़न आ गया तो हम स्टैक के दो टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे और उन पे डिवीज़न ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका 9 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 आपका 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब जो 3 आया है आंसर वो आप स्टैक के अंदर डालोगे। तो अब स्टैक के कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 50 है स्टैक के पास, ठीक है, एक 4 है, राइट, ये आपका 4, ओके, और आपका आंसर जो आया 3, वो अब आपके स्टैक के पास 3 एलिमेंट्स हो गए, राइट। अब आप देखोगे प्लस ऑपरेटर है, तो आप अगेन क्या करोगे, 2 एलिमेंट्स को पॉप कर दोगे और उन पर प्लस आप ऑपरेटर अप्लाई करोगे, 4 प्लस 3, राइट, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 को आप इंसर्ट कर दोगे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो अब स्टैक के पास 2 एलिमेंट है, 50 एंड 7 है, राइट। अब प्लस के बाद कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और आपके स्टैक के पास 2 एलिमेंट्स है, 50 एंड 7 है, तो आप क्या करोगे, इन पे अप्लाई करोगे दोनों को पॉप करके, 50 इंटू 7, राइट,
तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 350 आ गया, और इस 350 को आप स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दोगे। अब स्टैक में एक ही एलिमेंट होगा आपका 350, राइट, थ्री थोड़ा ठीक से नहीं बना, 350। तो आपका आंसर क्या हुआ, 350। इफ़ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक, आपने एक स्टैक में एलिमेंट्स डाले, ठीक है, कौन कैसे डाले, पहले आपने ए को पुश किया, फिर आपने बी को पुश किया, देन आपने सी को पुश किया, देन आपने डी को पुश किया, राइट, ऐसे आपने डाले, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, फिर आपने इनको डिलीट किया, तो पहले कौन सा डिलीट होगा, डी डिलीट होगा, राइट, डी पॉप होगा, देन सी आपका पॉप होगा, देन बी आपका पॉप होगा, देन ए आपका पॉप होगा, राइट, ओके। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिमूवल, तो सिंपली हमको पता है ऑर्डर ऑफ रिमूवल आपका क्या है, डी सी बी ए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी सी बी ए, ओके। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5, तो आपके पास स्टैक दिया गया है जिसका साइज 5 है और इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास हमारा स्टैक है, पहले आपने 1 को पुश कर दिया, 1 चला गया, फिर आपने इसको पॉप कर दिया, तो 1 क्या हो गया, यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है, 1 निकल गया, फिर आपने पुश किया 2 को, ठीक है, फिर आपने पुश किया 3 को, फिर आपने पॉप कर दिया, पॉप करने से क्या होगा, अबव एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 भी डिलीट हो गया, तो आपका 3 भी बाहर आ गया, ठीक है, देन आपने पुश किया 4 को, राइट, फिर आपने पॉप कर दिया तो आपका जो अबव एलिमेंट है 4, ये डिलीट हो जाएगा, राइट, 4 भी डिलीट हो गया, ठीक है, फिर एक और पुश है आपके पास, तो अबव एलिमेंट इस टाइम पे 2 है, क्योंकि 2 ही बचा है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, तो ये भी डिलीट हो गया 2, ठीक है, अब आपने पुश कर दिया 5 को, पुश, राइट, ओके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्टैक इज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, सिर्फ एक प्रेजेंट है आपका, 5 प्रेजेंट है, 1 भी डिलीट हो चुका है, 2 भी, 3 है, एंड 4 भी, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपका, 1, राइट। Which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm? कौन से data structure का use किया जाता है recursive algorithm को maintain करने के लिए, right? Recursion को apply करने के लिए, right? तो यहाँ पर हम use करते हैं stack को। Recursion होता क्या है? Recursion means when a function call itself again and again। जब कोई function अपने आप को ही बार बार call करता है, उसे recursion बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक का यूज़ होता है। स्टैक इज़ यूज टू मेंटेन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ द फंक्शन। स्टैक का यूज़ किया जाता है मैं किसी भी फंक्शन के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और एंड रिकर्जन के लिए, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफिक्स नोट एक्सप्रेशन, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनफिक्स नोटेशन है। अब इनफिक्स की पहचान क्या होती है, ऑल द ऑपरेटर्स अपीयर्स बिटवीन द ऑपरेंड्स, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो बी में है ना ही सी में, बी में क्या है, ऑपरेटर्स ऑपरेंड से पहले हैं, प्रीफिक्स है ये, और सी के अंदर है, पोस्टफिक्स है, तो ये आपका आंसर इनफिक्स क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी, ए एंड बी ऑपरेंड के बीच में आया है, देन सी बी इंटू सी, राइट, तो जहाँ पे ऑपरेटर्स इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होते हैं वो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ दिस, आपको बताना है कि इसकी प्रीफिक्स फॉर्म क्या है, राइट, प्रीफिक्स फॉर्म इसकी क्या होगी, जहाँ पे ऑपरेटर्स कहाँ होंगे, ऑपरेंड से पहले आएंगे, ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, जब ऑपरेटर्स ऑपरेंड से पहले आते हैं वो प्रीफिक्स फॉर्म होती है, राइट, तो ये अभी आपकी इनफिक्स फॉर्म है, तो यहाँ पे इसकी प्रीफिक्स फॉर्म होगी हमारी ऑप्शन डी, राइट, प्लस ऑपरेटर ए, राइट, इंटू B C, this is the prefix form of A plus B into C, right? Okay. Which of the following is not the correct statement for a stack data structure? इनमें से कौन सी stack data structure की के लिए correct statement नहीं है? Fine. Arrays can be used to implement the stack. Arrays का use किया जाता है stack को implement करने के लिए, execute करने के लिए. ये correct है आपका, ठीक है. Arrays आपके sequential data structure होते हैं. In the same way, stack क्या है आपका sequential data structure है. सेकेंड क्या है, स्टैक फॉलोज फीफो, तो स्टैक फीफो को फॉलो नहीं करता, स्टैक लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ओके, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ओके, तो इसमें यही पूछा ना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, बाकी के दो भी देख लेते हैं,
एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर. यस, आपका स्टैक में सिक्वेंशियल मैनर में एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है. टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट. स्टैक के टॉप पर लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होता है, जो सबसे लास्ट में आपने एलिमेंट इंसर्ट किया है वो क्या होता है, स्टैक का टॉप. ओके, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है. ओके, नाउ इफ द एलिमेंट 1, 2, 3, 4 आर एडेड इन द स्टैक. आपने एलिमेंट्स डाले हैं 1, 2, 3, 4 इन द स्टैक. सो व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिमूवल. आपका रिमूवल का ऑर्डर क्या होगा, 4, 3, 2, 1 राइट. ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, 4, 2, 3, 1. ओके, अ स्टैक इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है राइट. ओके, द एब्रीविएशन ऑफ लीफो इज, लीफो की एब्रीविएशन क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी. जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया है वो सबसे पहले निकल जाएगा. ओके, इन स्टैक द वन एंड वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स टेक्स प्लेस. ऐसा कौन सा एंड होता है जहाँ पे इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है. आप यहाँ से डेटा डालते भी हो, यहाँ से डेटा आप डिलीट भी करते हो राइट. तो ये क्या होता है, आपका टॉप ऑफ द स्टैक. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.